खंडवा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की हैं। खंडवा में युवाओं के बीच नशीली गोलियों और दवाओं का व्यापार करने वाले 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी देर रात को नशीली दवा का व्यापार करते हुए पकड़े गए हैं। बता दें, आरोपियों के पास से पुलिस ने 60 स्ट्रेप यानी लगभग 5000 अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त की है। बता दें कि अल्प्राजोलम टैबलेट प्रतिबंधित दवाओं में से एक है। इसकी खरीदी बिक्री के लिए डॉक्टर की पर्ची होना जरूरी है, लेकिन खंडवा में कुछ मेडिकल व्यवसायी इसे नशेड़ियों को अवैध तरीके से बेच रहे हैं। खंडवा में अधिकांश वारदातों को इसी नशे के चलते अंजाम दिया गया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, बाकियों को जेल भेज दिया गया है। कुछ समय से हम लोगों को जानकारियां मिल रही थी कि नशे की सामग्री, खासकर जो टैबलेट्स हैं और भी जो चीज़ें हैं, वो उसको उसका प्रयोग बढ़ा है, उसकी वजह से क्राइम्स भी कुछ हो रहे थे, और जिसके आधार पे हम लगातार इसमें सभी को निर्देशित किया था और एक हमने टीम भी सक्रिय कर रखी थी उसमें, और जिसके आधार पे हमको एक सफलता मिली थी, जिसमें हमको 2 ग्रुप ऐसे मिले जो नशे की टैबलेट्स को खरीद फरोख्त कर रहे थे और लड़कों को जो हैं युवक उनको सप्लाई कर रहे थे, और जिसके आधार पर हमने पदम नगर और मुकट में इसमें कायमी की है। 7 लोग इसमें टोटल गिरफ्तार हैं, जिनसे करीब हमको 6 से 7 हज़ार टैबलेट्स इसमें अल्प्राजोलम की मिली हैं, और जो गैर कानूनी तरीके से जिनके बिक्री और रोड चल रही थी। सर, कहाँ से लाए थे ये, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई क्या? बिल्कुल, ये जो पूरी चेन है, अभी हमने खंडवा की जो चेन है इसको तो पूरा हमने इसको चेक किया है, और इसके बाद जो हमें पता चला है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों से ये सप्लाई हो रहा था, और इसके साथ साथ MP में भी 1-2 जिलों से हमको जानकारी मिली है, तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। खंडवा के मेडिकल स्टोर वाले कुछ जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें जो 2 मेडिकल स्टोर्स भी हैं जो चलाते हैं मेडिकल स्टोर, तो उनके भी हम पूरी जांच करेंगे, कैसे चलाते थे, कैसा और किस प्रकार से रिकॉर्ड वगैरह।